वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, आप सभी का स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। तो यहाँ पर जब बात करेंगे इसमें बाजारों में जो बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, तो सादे कपड़े में जो पुलिस वाले तैनात होंगे। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर दीपावली का उत्सव है, तो यहाँ पर जो अयोध्या में और अलग अलग स्थानों पर आपके शहर में भी जो है पुलिसकर्मी जो सादे वर्दी में रहेंगे, आपको जीन्स टी शर्ट में मिलेंगे और सादा कपड़ों में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रेस में रहेंगे सब लोग जान जाएंगे। उसी के यहाँ पर जो ये डीजीपी यहाँ पर सबसे पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जी ने कहा है कि यहाँ पर जो है ये बाजारों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा और सादे वस्त्रों में तैनात होंगे यहाँ पर जो पुलिसकर्मी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर जो बात करेंगे इसमें दिसंबर में जो है टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ परीक्षा। मैंने आपसे बोला था कि लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोग का निर्णय का इंतजार है और यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग पर जो परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो जल्द जो है फैसले लेने का दबाव है। तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर बताया। और मैं एक बार और बता दूँ, समीक्षा आरओ की जो कम से कम 200 से 300 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है ना, ड्रेस कोड क्या रहता है, सैलरी कितने मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, सब चीज़ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड वीडियो देख लीजिए यहाँ पर जो ये, तो यहाँ पर जो बताया गया इसमें जो देख लीजिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर दिसंबर में भी यहाँ पर जो है शुरुआत के प्रस्तावित केंद्रों पर जो है निर्धारण से प्रारंभिक को लेकर आयोजन का निर्णय किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए इन्फॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पर जो है। वहीं पर जब बात करेंगे लोक सेवा की तरफ से यहाँ पे पेपर लीक कांड में जो है एक साल पहले हुआ था कांड का, तो आप सभी जानते हैं पीसीएस 2024 के यहाँ पे आयोजन में जो है ये टालनी पड़ी थी यहाँ पे परीक्षा। तो यहाँ पे लिखा हुआ समय की जो पटरी से उतरा आयोग और पीसीएस की नई जो है प्रारंभिक प्रभावित होंगी, तो मतलब वही चीज़ तो है क्या ना, मतलब कि पेपर लीक कांड में जो है ये पीसीएस परीक्षा को लेकर आरओआर को लेकर है, तो आपने जो एग्जाम आउट हो गया था यहाँ पर आरओआर को आना पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है बताया गया इसमें। वहीं पर जो बताया गया सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा भरिएगा। यहाँ पर जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 268 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पर मेंस में जो 2029 अभ्यर्थी का होना है शामिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 11 नवंबर 2018 तक जो है जमा कर सकेंगे कॉपी। तो मतलब वही चीज़ क्या है, 11 नवंबर तक तो आप जो है आवेदन कर सकेंगे और 18 नवंबर तक जो अपनी हार्ड कॉपी जो है आयोग को भेज दीजिएगा, उसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे। और एक इन्फॉर्मेशन और है, नवंबर में होगी जेई और सीएचएसएल की जो परीक्षा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है इसमें जो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर आ चुकी है। इसमें नवंबर में होगी जेई और सीएचएसएल की परीक्षा, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। वहीं पर जो बात करेंगे 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल, तो कहना मतलब क्या, यहाँ पर जो है मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की इसमें होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर जो है उसमें अलग अलग आप छात्रों को भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही स्कूल में आपको जो इंटर तक की पढ़ाई होगी, इसको बोलेंगे 8000 पंचायतों में सीएम जो है स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पर मतलब या उनको लिया जाएगा तो 10 एकड़ में जो है इसमें 10 एकड़ में बनेगा हर एक जो स्कूल है। 27 जो है स्कूलों की जो है डीपीआर उसमें हो चुकी तैयार, मतलब डीपीआर वही जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है सही है कहना मतलब क्या, वो जो है जितने भी जो कार्यक्रम थे तो पूरे हो चुके हैं यहाँ पर जो है। इसके बाद स्कूलों की सुरक्षा पर नज़र रखी जाएगी यहाँ पर जो है ये, तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जितने भी तैयारी चल रही है 27 स्कूल जो है डीपीआर इसमें तैयार हो चुके हैं इसमें जो है। और आपने देख लिया पुलिस के उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई थी 50000 पदों पर, आवेदन कितना है 60 लाख। उसी तरीके से एसएससी आप सभी जानते एसएससी जीडी के 2025 के लिए देश भर से लिए आवेदन कितने आए हैं 52 लाख बेरोजगार, मतलब क्या सिपाही भर्ती मात्र एक 12th पास की नौकरी के लिए 52 लाख आवेदन आप देख सकते हैं सबूत के साथ, जो दिखाता हूँ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ वीडियो में, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर जो है 52 लाख लोगों ने फार्म भरा हुआ है, 20581 पदों के लिए एसएससी ने जो मांगे गए आवेदन है ना, और यहाँ 2024 में 47 लाख मतलब फार्म है, मतलब वही चीज़ मान सकते हैं मात्र 20000 नौकरियाँ हैं और जो है 52 लाख जो है बेरोजगार इसके लिए फार्म भर रहे हैं, तो कितना बेरोजगारी आप देख सकते हैं है ना पूरे भारत के अंतर्गत यहाँ पर। तो उसी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो नौकरी मिला तुरंत पकड़ लीजिए, संविदा की मिले तो पकड़ लीजिए, या फिर जो कोई परमानेंट तो वो इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती बता दें सर हम 8000 रुपये 10000 मिलते हैं, अरे भाई जो मिल रहे हैं पकड़ लीजिए ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर 2 साल फिर जो 50 लाख के आवेदन आए यहाँ पर जो है ये जेई जूनियर इंजीनियर विद्युत श्रेणी की परीक्षा 6 नवंबर इसमें कराई जाएगी यहाँ पर जो है ये, इसमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ अखबार में, तो अब आ रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो 1500 पदों पर बहाली, सैलरी 85000 रुपये। मैंने आपसे बोला था ना इसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं और इसके मैं अपनी वीडियो में कई बार दिखा भी चुका हूँ यहाँ पर जो ये में ये देख रहे शैक्षणिक योग्यता क्या होगा किसी विश्वविद्यालय अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है ना, और साथ में आयु सीमा 20 से लेकर 30 वर्ष के उम्मीद, और आवेदन कैसे करें जो है आपको जो है इसकी साइट पर जाना है unionbankofindia.covb.in पर जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है ये।
इसके बारे में आप मेरे चैनल ओल्ड वीडियो देख लीजिए, कई बार मैंने आप बताया अभी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्किप के बारे में देख लीजिए, मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ और आप भी दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 1500 पदों पर जानकारी निकल चुकी है। इसके बारे में मैं आपको जो है 10 दिन पहले से ही वीडियो बना रहा हूँ अखबार में, तो अब आ रही है अखबार वालों को बाद में चलती है पता। मैं तो सीधे साइट पर जाता हूँ और साइट से डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको करना क्या है, ऑफिशियल जो है बस साइट पर जाना है और यहाँ पर जाकर ज़्यादा फॉर्म जो अभी भर दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये मैंने आपसे बोला, विद्युत विभाग की तरफ से 802 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। 12 नवंबर 2024 की लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने कर रखा तो उसके साथ फॉर्म भरिएगा और यहाँ पर जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है और यहाँ पर जाकर ज़्यादा फॉर्म भर दीजिएगा। जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो है ये पद भर चुके हैं। यहाँ पर जो है ये तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर जो है ये NHM, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर NHM, एन से हो गया आपका नेशनल और एच से हो गया आपका जो है स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और एम से हो गया आपका एक तरीके से जो मिशन मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे जो 5542 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। मैं बताता हूँ यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाला गया है, सैलरी की बात करेंगे तो 20,500 रुपये सैलरी इसमें आपको फिक्स सैलरी इसमें दिया जाएगा और पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, 7001 इसमें जो है आ चुका। मतलब क्या, पहले विज्ञापन ये था, अब ये बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी बात करेंगे, मतलब जो है तो मैंने आपको बता दिया था, इसकी साइट पे जाइए। यहाँ पर जो अभी मैंने इसको मैं दिखा दी चल रहा है, या आप सरकारी result.com से भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पर जो है ये 28 अक्टूबर तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 17 नवंबर तक रात 12 बजे तक इसका फॉर्म भर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो है इनकी जो वैकेंसी थी बढ़ा दी गई, यहाँ पर जो है 5582 यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के यहाँ पे जो है पदों पर वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब आपको इसका फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये अगर आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी करना चाहते हैं, बलरामपुर का नाम सुना ही होगा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से कोऑर्डिनेटर भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर जो 2 नवंबर 2024 की जो लास्ट डेट बताई गई है, वहीं पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो सैलरी 40,000 रुपये है, ठीक है। 2 नवंबर 2024 की लास्ट डेट है यहाँ पर जो ये, और ये एजुकेशन मतलब क्या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी इसमें आउट हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये अगर आगरा में यदि आप जो BSc नर्सिंग करे हुए हो तो आपका नर्सिंग सर्विस के लिए आप वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर जो ये इसके अंदर फॉर्म भरिएगा, तो फॉर्म सारे के सारे भरने कैसे आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर ये फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने आपसे बोला एक बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आपको ये फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये वहीं पर जो है आपने देखा यहाँ पर आयुर्वेदिक संस्थान की तरफ से यहाँ पर जो है ये 12th pass अगर आपने कर रखा तो यहाँ पर जो है ये 12th pass वैकेंसी आउट हो चुकी है। 11 नवंबर 2024 की जो लास्ट डेट बताई गई है देख लीजिए, फील्ड वर्कर के पदों पर जो है वैकेंसी 12th pass वाली इसमें आ चुकी है। 20,000 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी आपको जो ये है ना, और यहाँ अधिकारी महोदय जी के साइन भी यहाँ पर जो ये देख लीजिएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन बढ़िया है। और ये देख लीजिए यहाँ पर साइन वगैरह भी लिखा हुए हैं, तो आप जो इसके अंदर फॉर्म ये भर दीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया इसमें जो है यहाँ पर जो है ये इस बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाला गया, अभी भी पोस्ट खाली हैं TGT इंग्लिश की यहाँ पर जो है ये, और सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सैलरी यहाँ पर जो है इतनी सैलरी आपको मिलेगी इसमें। वहीं पर जो है PGT फिजिक्स हो गया, PGT यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो PGT मैथमेटिक्स, PGT केमिस्ट्री, ये सब लेक्चर वैकेंसी संविदा पर निकालेगी। यहाँ पर जो अभी चल रही है वैकेंसी, यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा है ना, इंटरव्यू इसमें सरकार इसमें ऑनलाइन करा रही है। 5 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये रहा लिंक है ना, सैलरी देख लीजिए, तो ये वाला फॉर्म जो आप ये भर दीजिएगा यहाँ पर जो है ये। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल के लिए प्लस। थैंक यू वेरी मच।